Good morning, all of you. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, all. Once again, a very good morning, all of you, on Let's Crack Jharkhand Exams. I, Pallavi Sharma, welcome you all again on Let's Crack Jharkhand Examination. Crack JPSC with India's largest learning platform, that is Unacademy. पहले अपने बारे में मैं ब्रीफ कर लूं. आई एम पल्लवी शर्मा. आई एम एमए इन हिस्ट्री. आई एम एमए इन एजुकेशन. I have teaching experience of more than 7 years. I have been teaching to JPSC, BPSC aspirants since 2017. See now, here's what you will be getting. See, here we talk about once you get the subscription of Unacademy, what the benefits you are going to get. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे. यहाँ पे आपका daily live classes चलेगा, daily test and quizzes होंगे, structured course होगा, unlimited access होगा. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपने टीचर्स के साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो. आपका जो भी डाउट्स है, जो प्रॉब्लम है, वो अपने टीचर्स के साथ आप लाइव पूछ सकते हो. फिर यहाँ पे हम फोकस करते हैं टेस्ट और क्विज़ेस में, जिससे पता चलता है कि आप कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज में क्या सब्जेक्ट है, जहाँ पे सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन है जहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना उतना ध्यान. फिर हम यहाँ पे फोकस करते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स पे, यानी कि हमारा जितना भी कोर्स है वो सिलेबस सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं हम उस तरीके से कंप्लीट कराते हैं कि सिलेबस का एक भी पोर्शन आपका किसी भी कोर्स का छूटे ना. फिर यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि वंस आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस को जितनी बार भी आपका मन हो, जहां पे भी आपका मन हो, आप देख सकते हो. यहाँ पे कोई बाउंडेशन ही नहीं है. फिर हियर यू गेट द बेनिफिट्स टू गेट नॉलेज फ्रॉम द एडुकेटर्स ऑफ योर चॉइस. ठीक है, यहाँ पे आपको अपने चॉइस के अनुसार जिस भी एडुकेटर से पढ़ने का मन हो आप पढ़ सकते हो. कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है. यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलते हैं आपको. बैचेस फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, कुछ बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं. बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हैं. आप एक बार देखो और एनरोल करा लो अपने आप को. बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होने वाली हैं. फिर अनअकैडमी का एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्केड्यूल जो बनाते हैं, हमारा जितना भी शेड्यूल रहता है वो इस तरीके से रहता है कि टाइम टू टाइम आपको रिमाइंडर मिलेगा. मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराया जाएगा कि इस समय इस क्लास इस टीचर्स का है आप, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करो. ये रिमाइंडर आपको बार 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 कराया जाएगा एज पर योर कंफर्ट. ओके, आपको जिस टाइम आप कंफर्ट हो उस टाइम आप अपने क्लास को कर सकते हो. फिर आपको यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई लैंग्वेज रुकावट नहीं है कि भाई
मुझे हिंदी नहीं आती और आपको हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है। नो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर लर्न एनी टाइम एनी वेयर, आप एक फिजिकल सेटअप में पढ़ो ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उसका पी आप मतलब आपको जितना भी नोट्स है वो आपको दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। उसके बाद आपने एक बार वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डाउनलोड कर लिया, आप बार बार उसको देख सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस। यहाँ पे आप कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। फिर अनअकैडमी का एडवांटेज है कि ये आपको एक मौका देता है जहां पे आप अपने टीचर्स के साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो। यस, लाइव इंटरैक्शन बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और जब तक आप अपने एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगा। तो अनअकैडमी में मौका मिलता है आपको अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरैक्ट करने का, जहां पे बाइलैटरली टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता है, प्रॉब्लम समझा जाता है और उसको सॉर्टेड किया जाता है। यहाँ पे आपके डाउट्स रेगुलर बेसिस पे क्लियर होते हैं। ओके, व्हाट एवर डाउट्स यू फेस इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू आर फ्री टू आस्क योर टीचर थ्रू कमेंट थ्रू द लाइव पोस्ट एंड वी आर देयर टू रिस्पॉन्स फॉर दैट। देयर इज नो डाउट इन दैट कि आपका डाउट क्लियर होना ही होना है। फिर आंसर लाइव पोल्स का फैसिलिटीज है, यहाँ पे टेस्ट क्विज़ेस होते रहते हैं जिससे आपको पता चल पाए कि भाई आप कहाँ हो, कितने पानी में हो, कितना आपने अच्छे से परफॉर्म करना है, किस पोर्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर ये जो है डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि आप टेस्ट दे रहे हो, आप क्विज दे रहे हो, है ना, और आपको पता ही नहीं चले कि आपने परफॉर्म क्या किया, तो वो कोई यूज का नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपका क्विज और टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आपने कितना कहाँ पे फोकस किया, किस पोर्शन में आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्या क्या कमियां रहेगी, कहाँ कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। वी विल मेक अ डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट ऑन दैट बेसिस। फिर यहाँ पे आपको जितना भी नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। दैट इज वेरी एडवांटेजियस ना कि आप पढ़ रहे हो चीजों को और आपके पास नोट्स नहीं है तो दैट बिकम यूजलेस, क्योंकि वो अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो वो मेमोरी में बहुत लंबे समय तक नहीं स्टे करेगा। तो अलोंग विद द टीचिंग वी डू प्रोवाइड द नोट्स, ओके, इन द पीडीएफ फॉर्म यू गेट इट एंड यू गेट द एडवांटेज ऑफ इट एज मेनी टाइम एज यू वांट। तो ताकि आपका जो लर्निंग हो वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म परमानेंट हो जाए। यहाँ पे फिर मैं बात करती हूँ अपने रेफरल कोड का PSYT। अब आप देखो, आपको अगर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी कोर्स के लिए, नॉट फॉर JPSC, आप किसी भी कोर्स के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। कब बेनिफिट मिलेगा, जब आप ये कोड यूज करोगे PSYT। अब ये PSYT से क्या होगा, जब आप इस कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, 10% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज अ बिग थिंग। तो अब पहले JPSC का सब्सक्रिप्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपने JPSC का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको एक मंथ का पड़ेगा 1400, और अगर मैं बात कर लू 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का तो दैट इज 7700, 11200। ओके, और अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरा बात मानो तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का डिस्काउंट, लाइक शॉर्ट टर्म का कोर्स लेने का कोई उतना बेनिफिट नहीं है जितना आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे EMI फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, और EMI फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आप आराम से, ठीक है, आराम से इंस्टॉलमेंट में मनी जमा करके आप आराम से अपने कोर्स को एनरोल करा सकते हो, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो और आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए, जैसे आप अगर मेरा 10% आप रेफरल कोड यूज करते हो, दैट इज PSYT रेफरल कोड, तो उसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका ये जो
पैसे हैं ये इतने हो जाएंगे, 12 मंथ के 6930 और 24 मंथ्स के 10,080। तो आप देखो, पहले जो 24 मंथ्स का आपका 11,200 लग रहा था, 10% डिस्काउंट के बाद 10,080 रुपीज ओनली। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सी, आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे तो इसमें हम बेसिकली बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आज हम जिस तरीके से हैं क्या मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो भी हम वैसे ही थे, तो नहीं, एक बहुत बड़ा नो है ये। तो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन बीइंग का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ बाय द पैसेज ऑफ टाइम और क्या क्या चेंजेस आया। बेसिकली हम प्री हिस्टोरिक का बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और जब प्री हिस्टोरिक पीरियड का बात करते हैं तो डे वन का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ये प्री हिस्ट्री है क्या, याद आ रहे कुछ? प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, नो रिटन रिकॉर्ड्स। डू यू रिमेम्बर दिस? वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट क्लास ओनली, नो रिटन रिकॉर्ड्स। अब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो हम किस पे डिपेंडेंट है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे डिपेंडेंट है। यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड रहा जहां पे हमारे पास कोई भी रिटन सोर्सेस नहीं है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड का अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में प्री हिस्टोरिकल पीरियड को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे पैलियोलॉथिक पीरियड, पैलियोलॉथिक पीरियड, फिर दूसरा हम बात करेंगे मिसोलिथिक पीरियड, फिर बात करेंगे नियोलिथिक का, और फोर्थ में हम बात करेंगे, नॉट पर्टिकुलरली आयरन एज, मेटल, एक सेकेंड, हम बात करेंगे मेटल एज का। अब देख लो, जब देखो, फिर से देखो, हम बात कर रहे हैं हमारा ह्यूमन, हम प्रोबेबली बात कर प्री हिस्टोरिक पीरियड का। अब देखो, जब प्री हिस्टोरिक पीरियड का हम बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वैसे पीरियड्स को कहा गया है जिसके लिए हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक, रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम रिलाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो एक्सकेवेशन हुआ वहां से हमें क्या क्या चीजें मिली उसकी स्टडी करते हैं, फिर उस पीरियड के बारे में पता चलता है। तो वी बेसिकली वी डिपेंड अपॉन आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब जब इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड का बात करते हैं तो हम चार मेन पीरियड्स का बात करेंगे, पैलियोलॉथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज। और एक एक एज का वी विल क्लियरली डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट छूट ना जाए। आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है पेलियोलॉथिक और मिसोलिथिक, क्योंकि ये नियोलिथिक मेटल एज बहुत आगे, बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक ये हमारा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेलियोलिथिक और मिसोलिथिक पीरियड। बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक खुद में और बहुत इजी है अगर अच्छे से समझो तो। अब आ जाते हैं अर्थ का बात करते, तो अर्थ का अगर तुम देखो तो बेसिकली बोला जाता है कि अर्थ जो है 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। द इवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट शोज फोर स्टेज, यानी कि चार स्टेजेस में अर्थ क्रस्ट इवोल्यूशन हुआ उसका। जो फोर्थ फाइनल स्टेज है उसको क्वार्टरनरी कहा गया है। फर्दर क्वार्टरनरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो इपॉक्स में डिवाइडेड है। व्हाट इज इपॉक्स मतलब? इपॉक्स का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट इवेंट। ओके, तो फर्दर ये टू इपॉक्स में डिवाइडेड है, पेलिस्टोसिन इपोक और होलोसिन इपोक। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पेलियोस्टोसिन इपोक जो है
वो बेसिकली आइस एज के बारे में, और होलोसीन जो है वो पोस्ट आइस एज के बारे में। ओके, तो ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। अब ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन का देखो तो पहले हम अर्थ के बारे में जानेंगे। अर्थ का इवोल्यूशन में चार स्टेजेस था, जो चौथा स्टेजेस था उसको क्वार्टरनरी कहा गया है। अब जो क्वार्टरनरी का बात करेंगे तो क्वार्टरनरी को फर्दर दो सेगमेंट में बांट दिया गया है, प्लेस्टोसीन एज दैट इज आइस एज और होलोसीन दैट इज पोस्ट आइस एज। अब बात कर लो अगर फर्स्ट इपोक का, प्लेस्टोसीन का बात कर लो, तो ये 2 मिलियन BC से लेकर के 12,000 BC तक गया। और सेकंड का बात कर लो दैट इज होलोसीन का, तो ये 12,000 BC से लेके आज करंट डे तक जा रहा है। अब देखो, दो लाइफ बिगैन ऑन द अर्थ 3500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3500 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ अर्थ में बिगिन हो गया था। ह्यूमन अपियर्ड ऑन द अर्थ इन प्री पेलिस्टोसीन एंड अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड। अब अगर ह्यूमन बीइंग का बात करो तो प्लेस्टोसीन पीरियड है ना, तो इसके पहले और अर्ली पीरियड जब ये शुरू हुआ था, तो शुरुआत में और प्लेस्टोसीन के पहले पीरियड में ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब देखो, अगर अब बात कर लेते सबसे पहले ह्यूमन के, पहले तो हम बात करते हैं एक अर्थ के इवोल्यूशन का, ठीक है? तो ये फोर फोर स्टेजेस में हुआ, तो फोर्थ स्टेज है उसको क्या कहा गया है? क्वार्टरनरी। इसको दो पार्ट्स में बांटा हमने, पोस्ट आई से, पोस्ट आइस एज में बांटा, ठीक है? अब अगर ये बात करो तो बेसिकली हम अब इस टाइम पीरियड्स के बारे में टॉक करेंगे। ओके, अब देखो एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। ओके, अब देखो अर्थ का इवोल्यूशन 4,600 मिलियन ईयर अगो हुआ, जो फोर्थ स्टेज है हमारा, ठीक है? चार स्टेजेस में हुआ था, जो फोर्थ स्टेज है वो क्वार्टरनरी कहलाया, आइस एज पोस्ट आइस एज कहलाता है, ठीक है? दो पार्ट्स में हमने बांटा, आइस एज और पोस्ट आइस एज। अब आइस एज का बात करो तो 2 मिलियन BC से लेकर के 12,000 BC तक चला, और अगर पोस्ट आइस एज का बात करो तो 12,000 BC से लेके अभी तक वो कंटिन्यू है हमारे साथ। ओके, उसके बाद 35 मिलियन ईयर्स अगो तो अर्थ में मतलब लाइफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेसिकली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर ह्यूमन बीइंग का बात करो तो ये जो हमारा आइस एज था उसके अर्ली फेज में हुआ और थोड़ा उसके पहले वाले पार्ट्स में हुआ। अब आते हैं हम बात करते हैं ऑस्ट्रालोपिथिकस का। ओके, अब ये जो ऑस्ट्रालोपिथिकस है ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन में, ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टेंस हुआ इसके एग्जिस्टेंस में, इसके डेवलपमेंट में ऑस्ट्रालोपिथिकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहला तो ये एक ऐसा क्रिएचर था, ये एक ऐसा पहला क्रिएचर था जिसमें हमें दो चीज देखने को मिली, इसमें कुछ एप का गुण और कुछ ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों देखने को मिला है। मतलब ऑस्ट्रालोपिथिकस जो है ये ह्यूमन क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विकेज इन ऑस्ट्रालोपिथिकस वी कैन सी बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें हम ह्यूमन बीइंग का भी देखते हैं और एप का भी देखते हैं। अब एप होता क्या है सबको पता ही होगा, एप का मतलब
मंकी लाइक स्पीसीज, ठीक है, जिसके टेल्स नहीं होते थे। अब देख लो, मंकी लाइक स्पीसीज जिसके टेलेस, टेल्स मतलब जो पूंछ है वो नहीं होते थे। अब बात करते हैं हम थोड़ा डिटेल में ऑस्ट्रालोपिथिकस का, बात कर ले तो द बर्थ ऑफ द क्रिएचर कॉल्ड ऑस्ट्रालोपिथिकस वाज मोस्ट मोमेंटस स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, तो मोमेंटस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ऑस्ट्रालोपिथिकस इज अ टर्म दैट ओरिजिनेटेड इन ग्रीक, इन लैटिन, एंड मीन्स सदर्न ऐप। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका लिटरल मीनिंग है सदर्न एप। अब सदर्न एप के बारे में जानो, तो ये एक ऐसे स्पीसीज से बिलोंग करते थे ऑस्ट्रालोपिथिकस, जिसमें बोथ दोनों कैरेक्टरिस्टिक था, ह्यूमन का भी और एप का भी, दो कैरेक्टरिस्टिक मौजूद था। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराया गया है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन क्या पूरे के पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन में। रीजन है इसका, बिकॉज ऑस्ट्रालोपिथिकस जो थे, इसमें दो दो कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिले, और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला है। इसका क्या फीचर था, ऑस्ट्रालोपिथिकस का फीचर था कि ये बाइपेडल थे, पॉड बेलिड था, और इनका जो ब्रेन केस था वो 400 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर्स तक था। अब पॉट बेलेट और बाइपेडल, ये बहुत जरूरी है आपके लिए याद करना कि बाइपेडल क्या होता है और पॉट बेलेट क्या होता है। तो आप देखो, इनका पॉट बेलेट का मतलब दो पैर से ये चलते थे, और पॉट बेलेट ये देखो इनके पेट। बाइपेडलिज्म का मतलब है एनिमल्स यूजिंग ओनली टू लेग्स फॉर वॉकिंग। नॉर्मली एनिमल्स चार लेग्स पे वॉक करते हैं, लेकिन बाइपेडलिज्म का मतलब है वैसे एनिमल जो टू लेग्स पे वॉक करते थे। पॉट बेली का मतलब है एन एनलार्ज स्वेलन और पोट्रूडिंग एब्डोमेन। अब ऑस्ट्रालोपेथिकस, ऑस्ट्रालोपेथिकस का फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन इवोल्यूशन में उसका रोल है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों है इसका? तो इसका इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये ऐसे क्रिएचर आए, सबसे पहले तो सदर्न एप, इनको मतलब ऑस्ट्रालोपेथिकस का जो लिटरल मीनिंग है ये सदर्न एप है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसे स्पीसीज आए थे जिनमें दो कैरेक्टरिस्टिक देखा गया, ह्यूमन का भी एप्स का भी। अब ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसका फीचर क्या था? बाइपेडलिज्म, पॉड बेलेट्स, और इनके ब्रेन केस जो थे 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के थे। ओके, अब आ जाओ एप। तो एप क्या है? मंकी, स्पेशली वन ऑफ द लार्जर टेललेस और शॉर्ट टेल्ड। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। मींस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कैसे कैसे बदलाव हुआ ह्यूमन बीइंग में। आज के ह्यूमन बीइंग और अगर बात करो मिलियंस एंड मिलियंस इयर्स अगो की ह्यूमन बीइंग में, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई ये इवोल्यूशन जो हो रहा है, ये मैटर तो करता है, जानना तो जरूरी है हमको। तो सबसे पहला हमने देखा ऑस्ट्रालोपैथिकस का, ऑस्ट्रालोपैथिकस के बारे में पढ़ा, और अभी पढ़ेंगे होमो हैबिलिस के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में, होमो सेपियंस के बारे में, और होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में। ओके, जस्ट यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, तो अब बात कर लेते हैं होमो हैबिलिस के बारे में। तो अब देखो, होमो हैबिलिस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट होमो और ह्यूमन। ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट होमो और ह्यूमन वाज होमो हैबिलिस, फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका। तो ये आप याद रखना, ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में मिला ये हम लोगों को। कब? तो 2 से लेके 1.5 मिलियंस ईयर अगो तक। ओके, उसके बाद होमो हैबिलिस को बोला गया स्किलफुल मैन। ये बहुत जरूरी है, कई कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि स्किलफुल मैन रहेंगे और चार ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक पिक करना रहेगा। तो याद रखना, होमो हैबिलिस के लिए टर्म यूज किया गया कि स्किलफुल मैन, कि इनके पास थोड़ा बहुत स्किल था, हुनर था। ओके, तो होमो हैबिलिस हैंडी थे, स्किलफुल मैन थे।
फर्स्ट रियल ह्यूमन ब्रोक स्टोन इनटू पीसेस। और इनके बारे में जब स्टडी किया गया तो बहुत सारे साइट से स्टोन्स के टूल मिले हैं हमें, तो पता चला है इससे कि ये लोग क्या करते थे, स्टोन्स को, बड़े बड़े स्टोन्स को ये लोग टुकड़ों में तोड़ते थे और उसका फिर ये लोग टूल्स बनाते थे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या हुआ कि बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास रिटन सोर्स तो है नहीं, अब जब रिटन सोर्स नहीं है तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं मीन्स खुदाई हुआ बहुत सारे साइट्स का, तो बहुत सारे साइट से हम लोगों को मिला है क्या, बहुत सारे होमो हैबिलिस के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, जहां पे ये हमें पता चला कि ये क्या इनके अंदर एक हुनर था कि बड़े बड़े स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते थे और उसके बाद उसका हथियार बनाते थे। फिर फ्रैक्चर्ड पीसेस ऑफ द स्टोन हैव बीन फाउंड इन द सेम प्लेसेस एज द बोन्स ऑफ होमो हैबिलिस, मतलब जहां जहां होमो हैबिलिस का हमें प्लेसेस मिला है, लाइक जहां जहां पे भी उनको ट्रेस किया गया है वहां वहां पे हमें स्टोन टूल्स भी मिले। तो उससे एक हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये लोगों के पास हुनर था कि स्टोन्स का कैसे टूल्स बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। एक देखो आप, उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं होमो इरेक्टस का। ओके, ऑस्ट्रोलोपिथेकस बात किया हमने, ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो थे दो फीचर था उनमें, दैट इज एप्स का भी फीचर था, ह्यूमन का भी फीचर था। दूसरा हमने बात किया होमो हैबिलिस का, और होमो हैबिलिस में एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिकली जब आप होमो हैबिलिस का बात करते हो तो यहाँ पे स्किलफुल एक्टिविटीज दिखने को मिला, हैंडी थे वो, ये इनको पता था कि बड़े बड़े स्टोन्स को टूल्स कैसे बनाया जा सकता है। अब बेसिकली जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज होमो इरेक्टस। अब देखो द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, so the appearance of Homo erectus dated 1.8 to 1.6 millions year ago। अब आप देख लो, ये चीज याद करना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एक बात समझो कि ऑस्ट्रालोपेथिकस हो या फिर आपका कोई भी ह्यूमन इवोल्यूशन हो, होमो सेपियंस का बात करेंगे अभी हम लोग, होमो हबिलिस का बात किया, आप जिसका भी बात कर रहे हो एक टाइम पीरियड आप अपने दिमाग में बैठाओगे कि कब से कब तक का बात कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आपको इसका इंफॉर्मेशन होगा तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी समझने के लिए। तो जब आप होमो इरेक्टस का बात करते हो तो 1.8 टू 1.6 मिलियन ईयर्स अगो के लगभग हम बात कर रहे हैं। होमो इरेक्टस का लिटरल मीनिंग क्या होता है तो याद रखना, अपराइट मैन। ओके, होमो इरेक्टस का इरेक्ट, ठीक है, तने हुए अपराइट मैन थे ये लोग, तो ये जरूर से ध्यान में रखना होमो इरेक्टस क्यों पर आ गया, क्योंकि अपराइट मैन थे, इरेक्टेड थे। इनके स्कल जो थे ये बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्ड थे। ब्रेन केस अगर आप देखो अब इसका, तो यहाँ पे चेंज हुआ, 800 से 1200 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर तक मिला है। फिर और भी न्यू टूल्स, यानी कि होमो हैबिलिस से भी ज्यादा नया नया टूल्स औजार हमको इनके टाइम पीरियड में देखने को मिला, जैसे हैंड एक्स। ओके, हैंड एक्स आ गए थे उस समय। उसके बाद इट इज बिलीव्ड दैट होमो इरेक्टस पीपल डिस्कवर्ड हाउ टू मेक एंड यूज फायर। तो ऑब्वियसली होमो इरेक्टस के समय लोगों को समझ आ गया था कि आगों का इस्तेमाल कैसे करना है, आग कैसे जलाना है। And this kept them warm in the cold climate and protected them from wild and animals. तो अब आप ये याद करोगे एक important event है यहाँ पे कि Homo erectus जो थे, Homo erectus के पास एक कला आ गया था कि आग कैसे जलाना है। और आग का बात करो तो आग क्या करता था, एक तो warm produce करता था, गर्माहट produce करता था, और दूसरा protection देता था। किससे, तो वाइल्ड एनिमल्स से इन लोगों को प्रोटेक्ट करता था। तो दे डिस्कवर्ड द स्किल हाउ टू लिट द फायर। ओके, उसके बाद इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू होमो हैबिलिस द होमो इरेक्टस ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। अब बात करो अगर तुम, तो होमो हैबिलिस जो थे वो
बेसिकली लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते थे, लेकिन उनके कंपैरिजन में होमो इरेक्टस का बात करो तो दे आर द पीपल हु ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों, कैसे पता चला कि भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे? क्योंकि इनका जो अंश है ना, इनका जो रिमेन्स है हमको साउथ एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सारी जगह से मिला है। तो इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि होमो हबीली से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे होमो इरेक्टस। अब बात करते हैं होमो सेपियंस के बारे में। ओके, होमो सेपियंस का जब हम लोग बात करते हैं तो अब आप इसमें देखो, द थर्ड स्टेप मार्क द एमर्जेंस ऑफ होमो सेपियंस। ओके, ऑस्ट्रोलोपैथिकस का बात किया हमने, होमो हबीलिस का बात किया हमने, फिर हमने बात किया, अभी हम बेसिकली बात करेंगे होमो सेपियंस के बारे में। इसके पहले जो बात किया था होमो इरेक्टस, यानी कि आप देखो कि एक एक स्टेज जो है, एक एक स्टेज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। ऑस्ट्रोलोपैथिकस से ज्यादा डेवलप्ड क्या था, क्या था? होमो हबीलिस। होमो हबीलिस से ज्यादा लोग डेवलप्ड हुए कब? जब होमो इरेक्टस का हमने बात किया। और जब होमो इरेक्टस का बात कर रहे तो होमो इरेक्टस से ज्यादा डेवलप्ड होंगे लोग होमो सेपियंस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बोला गया वाइज मैन। होमो सेपियंस को बोला जा रहा है वाइज मैन। तो आप देखो, एक टाइम पीरियड में ऑस्ट्रोलोपैथिकस को तो हमने कहा कि भाई ये, इनमें तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एप का भी है, ह्यूमन का भी है। फिर होमो हबीलिस का हमने बात किया था, तो होमो हबीलिस को हमने क्या कहा था? स्किलफुल मैन, याद है? स्किलफुल मैन कहा था। उसके बाद होमो इरेक्टस को अप स्ट्रेट मैन कहा था, क्योंकि इरेक्टेड थे, अप स्ट्रेट मैन। अब होमो सेपियंस का बात करोगे तो होमो सेपियंस को वाइज मैन कहा गया है। तो आर ओन स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम होमो सेपियंस, कहां कहां पे, ये देखो क्या, इट रिजेंबल द नियंड्रिथल मैन। अब नियंड्रिथल मैन क्या है? द अर्लिएस्ट मैन, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके कंप्लीटली, उनको नियंड्रिथल मैन कहा गया है। तो कहां से मिला हमको? वेस्टर्न जर्मनी से मिला, अराउंड 230,000 ईयर्स अगो से लेकर के 30,000 ईयर्स अगो तक हमें मिला है ये। इट हैड अ शॉर्ट बॉडी एंड वेरी नैरो फोरहेड। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था? आप देखो, इनका जरूरी है ये आपको देखना कि इसका शॉर्ट बॉडी था और नैरो फोरहेड था। ब्रेनकेस का इसका जो स्ट्रक्चर था वो था 1200 टू 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर तक। फिर द रेस प्रोबेबली इवॉल्व्ड इन यूरोप, बट Neanderthal remains also been found in Near East and elsewhere in the Old World. तो ये आप ध्यान में रखो। अब बात कर लो Neanderthal man है क्या? An extinct species of human that was widely distributed in Ice Age Europe. तो बार बार बात कर रहे Homo sapiens का बात किया हमने, Homo sapiens को wise man बोला गया है। कहीं ना कहीं होमो सेपियंस का जब बात किया तो नियंड्रिथल मैन जो है उनका फीचर देखने को मिला। अब नियंड्रिथल मैन है क्या? वो स्पीसीज ह्यूमन के जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो बेसिकली आइस एज में देखने को मिलते थे। अब आ जाओ तुम यहाँ पे होमो सेपियंस के बारे में, तो ये कुछ और ज्यादा डेवलप्ड हुआ। अब बात करते फोर्थ लेवल का, जो है होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, तो जो ह्यूमन बीइंग का, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, जो पूरा डेवलप्ड हुआ है, उनको हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। अब इट इज ट्रेसेबल 115,000 ईयर्स अगो, दैट इज 1,15,000 ईयर्स अगो। इमेजिन करो, 1,15,000 ईयर्स अगो कहां से मिला हमको? साउथ अफ्रीका से मिला, जो कि लेट स्टोन एज, दैट इज अपर पैलियोलॉथिक। अब ये क्या है अपर पैलियोलॉथिक? तो जब आज की क्लास में हम पैलियोलॉथिक पीरियड डिस्कस करेंगे, तो पैलियोलॉथिक पीरियड का तीन पार्ट में डिवीजन हुआ है ना? तो अपर पैलियोलॉथिक पीरियड्स में हमें देखने को मिला है होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, अब कंपेयर टू अदर होमिनिड स्पीसीज, इट हैड अ लार्ज फोरहेड एंड थिनर बोन।
अब अगर और भी सारे होमिनिड से इनको कंपेयर करो, ठीक है, ऑस्ट्रोलोपैथिकस हो गया, या फिर होमोहेबिलिस हो गए, होमोसेपियंस हो गए, होमो एरेक्टस हो गए, तो उससे कंपेयर करो तो इनका जो फोर हेड था वो लार्ज था और बोन्स इनके थिन थे। मॉडर्न मैन ओरिजिनली मेड डाइवर्स टूल, ओके, स्टोन के अलग अलग टूल्स ये लोग इस्तेमाल करते थे डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो मैंने पहले भी बताया है ना कि जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होगा वैसे वैसे चेंजेस देखने को मिलेगा। तो होमो हैबिलिस के टाइम पे भी स्टोन के टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे थे, और होमो सेपियंस के टाइम पे भी हम स्टोन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो तो फंक्शन हो जाता है या फिर मॉडिफिकेशन हो जाता है वो टूल्स में, हर एक स्टेज में होता चला गया है। तो यहाँ पे भी अलग अलग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर इनके अगर बात करो होमो सेपियंस का, तो लार्ज राउंडेड ब्रेन केस होते थे इनका, इनके जो 1200 से लेकर के 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक होते थे वॉल्यूम में। दिस इनेबल द मॉडर्न ह्यूमन टू फंक्शन मोर इफेक्टिव एंड इनेबल हिम टू मॉडिफाई द एनवायरमेंट। यानी कि अब देखो, क्योंकि इनका ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा था, क्योंकि इनका अब थिनर, इनका जो बोन था वो थिनर था, फोरहेड का बात करो तो लार्ज फोरहेड था, इनका ब्रेन केस के कारण दे आर हैविंग दैट अबिलिटी टू अडेप्ट। अडेप्ट मतलब अनुकूल, ढल जाते थे वो नेचर के और नेचर को अपने अनुकूल ढाल लेते थे। इट वॉज लाइक दैट। अब देखो ऑस्ट्रालोपैथिकस से हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन होमो सेपियंस सेपियंस में आया, जहां पे सारी चीजें बदलती चली गई। फोरहेड का अगर स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर देखो, होमो हैबिलिस को स्किलफुल कहा गया है, हैंडफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। फिर होमो इरेक्टस राइट स्ट्रेटेड मैन थे, होमो सेपियंस आ गए वाइज मैन, और आज मॉडर्न मैन क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। अब आप बात करते हैं द अर्ली मैन इन इंडिया के बारे में, ओके। तो ओनली अ फ्यू फॉसिल्स रिलेटिंग टू ह्यूमन इवोल्यूशन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। नॉनदिलेस सम ऑफ द अर्लिएस्ट स्कल फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन शिवालिक हिल्स कवरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, शिवालिक हिल्स, ओके। दीज स्कल्स आर कॉल्ड रैम्पथिकस और शिवा पिथिकस। अब शिवालिक हिल्स में क्या हुआ, दो दो अलग अलग स्कल्स मिले, मतलब बहुत सारे स्कल्स मिले हमको, बेसिकली कैटेगराइज किया गया, तो उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, रैम्पेथिकस और सिवापेथिकस। ये जो दो स्कल्स मिला, इसमें से जो रैम्पेथिकस है, सर्वे से पता चलता है कि ये फीमेल का स्कल है, ओके, और सिवापेथिकस मेल का स्कल है, बट दोनों बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। तो एक बार आप देख लो, दिस स्कल्स आर कॉल्ड रैम्पापेथिकस एंड सिवापेथिकस। दे सीम टू पोजेस ह्यूमन होमिनिड फीचर, दो दे रिप्रेजेंट एप्स। यानी कि शिवालिक हिल्स से हमें जो अलग अलग स्कल्स मिले हैं वो पूरी तरीके से एप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ह्यूमन फीचर भी है। अब ह्यूमन फीचर है, और जो रैम्पेथिकस थी उसको बोला जाता है कि ह्यूमन फीमेल का स्कल है, हालांकि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते थे। अब आ जाते हैं पैलियोलॉथिक एज के बारे में, ठीक है। पैलियोलॉथिक एज दैट इज ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलॉथिक एज मतलब ओल्ड स्टोन एज का हम बात कर रहे हैं। अब पैलियोलॉथिक का बात करो तो पैलियोलॉथिक पीरियड मतलब ओल्ड स्टोन एज का जो पीरियड था वो तीन फेजेस में डिवाइडेड था, ओके। फर्स्ट फेज, सेकेंड और द थर्ड, या फिर तुम बात करो तो लोअर पैलियोलॉथिक पीरियड, ठीक है, मिडिल पैलियोलॉथिक पीरियड, अपर पैलियोलॉथिक पीरियड। तो पैलियोलॉथिक पीरियड तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलॉथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलॉथिक पीरियड और अपर पैलियोलॉथिक पीरियड। डेट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके दिमाग में ये बात रहे, और नोटेड डाउन समवेयर। आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल बी गेटिंग इट इन द पीडीएफ फॉर्म एज वेल, और ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप
क्विक रिवाइज करते हो ना, रिकैप करते हो, तो आप बस एक डेट देख लेते हो, ईयर देख लेते हो, तो वो आपके दिमाग में रहता है ना। तो ये आपके लिए मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे, आप इसको देखो, आप इसके गो थ्रू हो। तो द पेरियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस इन अकॉर्डेंस विद द टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द पीपल। यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टोन टूल्स अलग अलग पीरियड में अलग अलग स्टोन टूल्स मिला। तो एज पर दैट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहा ये, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, लोअर पेलियोलॉथिक, मिडिल पेलियोलॉथिक और अपर पेलियोलॉथिक। जब मैं बात कर लो लोअर पेलियोलॉथिक पीरियड का, तो लोअर पेलियोलॉथिक पीरियड का टाइम पीरियड देखो अगर, तो 6 लाख से लेकर के 1,50,000 BC तक चला। सेकेंड का बात कर लो तो 1,50,000 से लेकर के 35,000 BC तक ये गया है। यहाँ पे एक कॉमा है, ओके। तो थर्ड अप दैट इज अपर पैलियोलिथिक का बात करो तो 35,000 से लेकर के 10,000 तक ये गया है। अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक, चलो अब आ जाओ। तो मीनिंग देखो, पैलियोलिथिक का मीनिंग क्या होता है? पैलियोलिथिक का लिटरल मीनिंग होता है ओल्ड स्टोन एज, एंसेंट कल्चरल एज स्टेज, या फिर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पैलियोलिथिक का सिंपल सा मतलब है कि भाई ओल्ड स्टोन एज का हम बात कर रहे हैं, ओके। बिकॉज प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम बहुत सारे बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का, तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक में, तो पैलियोलिथिक का मतलब होता है कि पहला स्टेज, ठीक है, पहला स्टेज स्टोन का, स्टोन एज का फर्स्ट स्टेप कहा गया है इसको, जो कि फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर, अपर और मिडिल पैलियोलॉथिक पीरियड में। फीचर देख लो पैलियोलॉथिक पीरियड्स का, कुछ फीचर है तो द लोअर पैलियोलॉथिक पीरियड्स और द अर्ली ओल्ड स्टोन एज कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। यानी कि अगर तुम लोअर, ठीक है, मिडिल का और अपर का बात ना करो, लोअर पैलियोलॉथिक का बात करो, तो बेसिकली ये आइस एज को कवर कर रहा है। द अर्ली ओल्ड स्टोन एज मे हैव बिगन इन अफ्रीका अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो, बट इन इंडिया इट इज नॉट ओल्डर देन 66 लाख ईयर्स, ओके। अब पीपल यूज हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स, ओके। तो ये सारे टूल्स आप एकदम कहीं पे लिख लो, नोट डाउन कर लो कि जो लोअर पैलियोलॉथिक पीरियड था वहां पे हमें क्या क्या टूल्स देखने को मिला है, ये आप एकदम कहीं पे लिख लो। द एक्सेस फाउंड इन इंडिया आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। यानी कि इंडिया में जो एक्सेस मिला है हमें वो रिजेंबल कर रहा है वेस्टर्न एशिया, यूरोप, अफ्रीका के साथ। फिर स्टोन टूल्स वर यूज लार्जली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। फिर अर्ली ओल्ड स्टोन एजेस साइट्स हैव बीन फाउंड इन वैली ऑफ रिवर सोहन, दैट इज इन पाकिस्तान, ओके। तो ये आप के लिए ये भी जो टर्म है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ओल्ड स्टोन एज का जो साइट है जहां से हमें पता चलता है, तो बेसिकली सोहन रिवर के किनारे से पता चलता है। सेवरल साइट्स हैव बीन फाउंड इन कश्मीर एंड द थार डेजर्ट एज वेल। तो जो ओल्ड स्टोन एज का साइट है वो सोहन वैली से, लाइक सोहन जो रिवर है हमारा पाकिस्तान में एट प्रेजेंट, वहां से भी पता चलता है। थार डेजर्ट जो है कश्मीर है, वहां से भी हमको पता चलता है इसके साइट्स के बारे में। फिर लोअर पैलियोलॉथिक टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश एंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ डिडवाना इन राजस्थान। तो आप ये भी देखो कि ये जो तीन है, लास्ट तीन पॉइंट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये साइट्स के बारे में बताया जा रहा है और एग्जाम में साइट्स से रिलेटेड बहुत बड़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर चिरिका निवासा इन महाराष्ट्र हैज यील्डेड एज मेनी एज 2,000 टूल्स एंड दोज हैव आल्सो बीन फाउंड एट सेवरल प्लेसेस इन साउथ। तो ये भी आप याद रखो, चिरिकी निवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में, वहां पे बहुत सारे टूल्स मिले हैं। नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश इज एन इम्पोर्टेंट साइट एंड द केव्स, रॉक शेल्टर्स एंड भीमबेटका नियर भोपाल आल्सो शो फीचर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद द पीपल ऑफ लोअर स्टोन एज सीम टू हैव प्रिंसिपली बीन फूड गैदरर। वो लोग क्या करते थे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते थे, वो लोग फूड इकट्ठा करते थे। मतलब
वो लोग क्या करते थे अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कराने के लिए, दे वर द फूड गैदरर, दे वर नॉट द हंटर्स। ओके, एक जगह से दूसरी जगह उतना ये लोग मूव नहीं करते थे, फूड गैदरिंग पे बिलीव करते थे। अब आ जाओ मिडिल पैलियोलिथिक एज पे। तो जब मिडिल पैलियोलिथिक एज का बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली मिडिल पैलियोलिथिक एज मतलब क्या, वैसा एज जो किसके बीच में आया, लोअर पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक के बीच में जो एजेस आया वो क्या था, दैट इज अब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, गुड मॉर्निंग प्रिंस, नो इश्यू, गुड मॉर्निंग। ओके, अब बात करो द प्रिंसिपल टूल्स, जो जो टूल्स हमें मिले, ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रेपर्स, मेड्स ऑफ फ्लेक्स, ये सारे कुछ मिले हैं। द आर्टिफैक्ट ऑफ दिस एज आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेस, नर्मदा एंड ऑल्सो एट सेवरल प्लेसेस साउथ ऑफ तुंगभारा रिवर के पास मिला है हमें। द बेलन वैली विच लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ बंद्यास इज रिच इन स्टोन टूल्स एंड एनिमल फॉसिल्स इंक्लूडिंग कैचल एंड डेयर्स, ये तो ये जरूरी है आप देखो। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक का बात करो, तो इन द अपर पैलियोलिथिक फेज वी फाइंड 566 साइट्स इन इंडिया। तो एक आप एकदम कॉन्सेप्ट बैठाओ, नंबर देखो आप क्या है अपर पैलियोलिथिक का, 566 साइट्स इंडिया में मिला है। द क्लाइमेट वॉज लेस ह्यूमिड कोइंसाइडिंग विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज व्हेन द क्लाइमेट बिकेम कंपैरेटिवली वार्म। अब मतलब रहने लायक हो गया था, उतना ज्यादा कूल नहीं था, वार्म क्लाइमेट हुआ करता था, लेस ह्यूमिड था। इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इट मार्क द अपियरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज एंड मैन ऑफ द मॉडर्न टाइप होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, आज आप मेरे को ये बताओगे कि जब भी आप टूल्स के बारे में बात करते हो, ठीक है, जब आप बात करते हो प्री हिस्टोरिकल पीरियड का, चाहे आप बात करो पैलियोलिथिक का, मिसोलिथिक का, नियोलिथिक का, तो बार बार एक टर्म यूज्ड होता है इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज क्या था और ये आज के मॉडर्न इंडस्ट्रीज से कैसे अलग है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट के थ्रू। ओके, अब देखो इन इंडिया वी नोटिस द यूज ऑफ ब्लेड्स एंड बर्रेन्स विच हैव बीन फाउंड इन कर्नाटका महाराष्ट्र। मतलब जब हमने सर्वे किया तो पता चला कि कुछ कुछ साइट से ब्लेड्स एंड बर्रेन्स मिले हैं, जहां पे झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे कुछ प्लेसेस है जहां से ब्लेड्स एंड बर्रेन्स मिले हैं हमें। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स फॉर यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द अपर पैलियोलिथिक फेज हैव बीन डिस्कवर्ड इन भीमकेटा। अब आ जाते हैं मिसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो अब मिसोलिथिक पीरियड हंटर और हर्डर्स का है, ठीक है, हंटर और हर्डर्स। पैलियोलिथिक पीरियड्स में बेसिकली वो फूड गैदरर थे, फूड इकट्ठा करते थे। अब जो मिसोलिथिक पीरियड आया, मिसोलिथिक पीरियड में हमको देखना है कि भाई अब ये फूड गैदरर्स नहीं रहे, अब जो ह्यूमन है ये कहीं ना कहीं हंटर हर्डर्स बन गए, ठीक है। तो मिसोलिथिक पीरियड क्या है, मिसोलिथिक पीरियड मिडिल पीरियड है, मिडिल स्टोन एज है। मिडिल स्टोन एज का मैं बात करूं ये, तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में जो पीरियड आया दैट इज मिसोलिथिक पीरियड। ओके, दैट इज मिसोलिथिक पीरियड, अ पीरियड बिटवीन पेलियोलॉथिक टू नियोलिथिक, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पेलियोलॉथिक से न्यू पीरियड का, दैट इज मिसोलिथिक, और उसके बाद आगे की ओर प्रोसीड किया नियोलिथिक ने। तो मेयोलिथिक मिसोलिथिक पीरियड मिडिल स्टोन एज है, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल टर्म डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक कल्चर दैट फॉल बिटवीन पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक पीरियड। इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज, यानी कि अब तुम देखोगे क्योंकि मिडिल में आ रहे हो तो कुछ कुछ इसमें पैलियोलिथिक का भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक नियोलिथिक का भी मिलेगा। द पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग While at later stage also they domesticated animal. तो याद रखना, जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ था वो मिसोलिथिक के लेटर पार्ट से शुरू हो गया था। पहले क्या था, पहले जो ह्यूमन बीइंग थे वो बेसिकली फूड गैदरर थे,
लेकिन मिसोलिथिक में जब हम आए तो मिसोलिथिक में पता चला कि लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? तो अब ये क्या कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं। हंटिंग के साथ साथ डोमेस्टिकेटेड ऑफ एनिमल भी पता चला है लेटर पार्ट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड में। अब बात कर लेते हैं हम द अपर पेलियोलिथिक एज केम टू एन एंड विद द एंड ऑफ द आइस एज अराउंड 10,000 बीसी। तो अपर पेलियोलिथिक एज जो था वो 10,000 बीसी के अंतर्गत ये खत्म होता आ गया। अब 9,000 बीसी से एक दूसरा फेज शुरू हुआ, इंटरमीडिएट फेज, जो कि कहलाया मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज को ट्रांजिशनल फेज भी कहा गया है। ट्रांजिशनल फेज क्यों? बिकॉज इट लाई बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। द मेसोलिथिक पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो हुआ है, मैंने बताया है आपको। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल ऑफ मेसोलिथिक एज आर माइक्रोलिथ और टाइनी टूल्स। देखो बार बार, लिथ्स मतलब होता है टूल्स। ओके, बेसिकली लिथ्स का मतलब होता है स्टोन। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। तो ये सब हम देखेंगे अलग अलग। तो बेसिकली जब बात करो मेसोलिथिक एज का, तो मेसोलिथिक एज में जो टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे थे दैट इज माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब तीन टाइनी टूल्स। याद है ए पहले क्लास में हमने बात किया था मेगालिथ्स के बारे में। मेगालिथ्स के बारे में फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था, जब हम बात कर रहे थे सोर्सेस के बारे में। तो सोर्सेस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था साउथ इंडिया का कल्चर, जहां पे डेड बॉडी के साथ एंसेंट इंडिया में क्या होता था, लोगों को भी डेड बॉडी के साथ क्या होते थे कि और भी जब ग्रेव, उनके जो ग्रेवयार्ड्स होते थे उसमें और भी जरूरत का चीज डालते थे वो लोग, जैसे अनाज हो गया, फिर वेपन हो गया, जो भी उनको पसंदीदा था वो सब डालते थे। और जब उनको दफनाया जाता था तो आसपास बड़ा बड़ा मेगालिथ्स रखा जाता था। तो मेगालिथ्स मतलब क्या था? बिग स्टोन, लार्ज स्टोन एज, ठीक है। अब माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है टाइनी टूल्स, छोटे छोटे टूल्स को लोग इस्तेमाल करते थे। मेसोलिथिक साइट्स फाउंड इन राजस्थान, सदर्न यूपी एंड सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। ऑफ देम बेगौर इन राजस्थान इज वेरी वेल एक्सकेवेटेड। तो ये आप याद रखो, इट हैड अ डिस्टिंक्टिव माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री एंड इट्स इनहैबिटेंट्स सब्सिस्टेड ऑन हंटिंग एंड पेस्टोरलिज्म। यानी कि पेस्टोरलिस्टिक सोसाइटी भी था, हंटिंग सोसाइटी भी था, मीन्स वो लोग हंटिंग भी करते थे, पेस्टोरलिज्म भी करते थे, मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह। फिर आदमगढ़ इन एमपी एंड बगौर इन राजस्थान प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हमको कहां से पता चलता है? बेसिकली एमपी और राजस्थान, आदमगढ़ इन एमपी और बगौर इन राजस्थान के से पता चलता है कि भाई डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का हुआ। फिर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स अराउंड 7,000 to 6,000 बीसी इज सजेस्टेड इन राजस्थान From a study of deposit of Sambhar, the former salt lake. The Mesolithic culture continued to be important roughly from 9,000 say 4,000 BC and undoubtedly paved the way for the Neolithic. तो अब पैलियोलिथिक से हम मूव किए मेसोलिथिक में, अब मेसोलिथिक से मूव करके आए कहां पे? नियोलिथिक। तो कहीं ना कहीं मेसोलिथिक जो पीरियड था इसमें दोनों का फीचर था, पैलियोलिथिक का भी फीचर था और नियोलिथिक का भी फीचर था। और मेसोलिथिक के कारण क्या हुआ? नियोलिथिक पीरियड आया। अब देखो बहुत सारे केव पेंटिंग्स मिले, बहुत सारा आर्ट स्ट्रक्चर मिला, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये लोग जो थे बहुत ज्यादा शौकीन थे आर्ट्स के, डिजाइन के,
ठीक है, तो बहुत सारा केव पेंटिंग्स के थ्रू हमें देखने को मिला अलग अलग चीज, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई इनको ये सारी चीजें थी। हाँ, डोमेस्टिकेशन था कि नहीं था, हंटिंग गैदर मतलब हंटिंग करते थे वो लोग, फूड गैदरर थे, ये सारी चीजें पता चलती है उसके बारे में। अब देखो, द पीपल ऑफ पैलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक एज प्रैक्टिस्ड पेंटिंग। अब देखो हुआ क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको प्री हिस्ट्री के बारे में जानना है तो प्री हिस्ट्री के लिए रिटन सोर्स पे आप रिलाई नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज रिटन सोर्स है कहाँ जो आप रिलाई करोगे, तो उसके लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पता चला कि भाई पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के लोग क्या करते थे, पेंटिंग्स करते थे। यस, प्रीहिस्टोरिक आर्ट अपीयर्स एट सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस में प्रीहिस्टोरिक आर्ट हमको देखने को मिला है, जिसमें से भीमकेटा इन एमपी इज अ स्ट्राइकिंग साइट, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जहां से हमें पेंटिंग्स पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में पता चलता है। इट इज सिचुएटेड इन विंध्या रेंज, 45 किलोमीटर ऑफ साउथ। इट हैज ओवर 500 पेंटेड रॉक शेल्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप कंठस्थ कर लो, दैट डू लर्न इट, मग इट अप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भीमकेटा से क्या मिला, बहुत सारे हमें पेंटिंग्स मिले हैं, साइट्स ऐसे मिले हैं जहां से हमें पता चलता है कि केव पेंटिंग्स बहुत सारा मिला। ठीक है, और भीमकेटा कहाँ है, तो इट इज सिचुएटेड 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल है। कितने सारे पेंटिंग्स मिले ये आप देखो। फिर भीमकेटा में द रॉक पेंटिंग एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, मतलब भीमकेटा में जो पेंटिंग मिला है रॉक पेंटिंग, उसमें से ये पता चला है कि भाई ये अपर पैलियोलिथिक से लेके मेसोलिथिक तक को दर्शाया गया है उसमें। मेनी बर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर पेंटेड, एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट फिगर इन द पेंटिंग्स वर हंटेड फॉर सब्सिस्टेंस। यानी कि पेंटिंग्स के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि हाँ बहुत सारे एनिमल्स ह्यूमन बींग कैसे कैसे वो लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, हंटिंग था, ये सारी चीजें हमें पता चली। तो अब देखो कोई पेंटिंग होता है किसी जमाने का, तो उसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इस समय का सोशल लाइफ ऐसा था। बिकॉज दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। यस राइट, प्रिंस राइट। ओके, तो अब बात करो, अब तो दीज पेंटिंग एविडेंटली बिलोंग टू हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी। यानी कि पेंटिंग के थ्रू आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी आ गया था, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। Why practicing art? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोग थे, मतलब ये जिसके बारे में हमने बात किया पैलियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक टाइम पीरियड के जो लोग थे, वो पेंटिंग करते ही क्यों थे? तो पेंटिंग करने के पीछे बहुत सारा रीजन था। ठीक है, बहुत सारा रीजन था कि वो लोग, एक तो देवर इन लाइक देवर वेरी इंटरेस्टेड फॉर इट, और भी और सारा रीजन था कि इट इज ऑल्सो सेड दैट दे टुक टू आर्ट एंड रिचुअल्स टू ओवरकम सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही गई है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए वो क्या करते थे, आर्ट करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। In all probability, people depicted various wild animals to ensure control over them. यानी कि अब वाइल्ड एनिमल्स तो था, हालांकि इन्होंने आग डिस्कवर किया था, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को ओवरकम करने के लिए ये पेंटिंग करते थे। फॉर हंटिंग वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ओके, हंटिंग वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जिससे वो अपना जीवन यापन गुजारा करते थे। These animals painting rituals were realistic in the context of hunting. In the Harappan context, animals painting become conventional. Animals continue to be depicted on the Harappan seals, although the people largely lived on the food they grew. अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, हरप्पा टाइम पीरियड में भी हमने क्या किया था, हरप्पा का अगर तुम बात करो, हरप्पन सील्स का बात करो, तो वहां पे भी एनिमल्स का
हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि हरप्पा के सील्स में भी एनिमल्स दिखते हैं, लेकिन वो एनिमल्स दिखते हैं, दैट इज कन्वेंशनल। क्यों कन्वेंशनल बोला गया? क्योंकि वहां पे लोग अनाज भी खाते थे, राइट, दे डिपेंड अपॉन द फूड ऑल्सो। लेकिन अगर बात करो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम पीरियड का, तो वहां पे जो पेंटिंग मिला, वहां के पेंटिंग्स में जो एनिमल्स मिले, वो प्रोबेबली दर्शाया जा रहा है कि लोग हंटिंग पे ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि और ज्यादा सोर्स नहीं था। लेकिन जो हरप्पा में हमें सील्स मिला, हरप्पा के सील्स में जो एनिमल्स मिल रहे हैं, वो बोला जा रहा है कि वो वहां पे कन्वेंशनल है। क्यों कन्वेंशनल है? क्योंकि हरप्पा में सिर्फ एनिमल्स पे लोग डिपेंडेंट नहीं थे लाइवलीहुड के लिए हंटिंग में, बल्कि वो लोग अनाज पे भी रिलायबल थे। यस, एनिमल डॉक्टरिंस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट प्रिंस? प्लीज इलाबोरेट इफ यू कैन। ओके, तो आज का क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब आ जाओ क्विक रिकैप में। हम बात करते हैं, आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हमने बात किया, तो इस ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने देखा कि कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग का टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दैट मींस कि अलग अलग स्टेजेस के बारे में हमने बात किया। अलग अलग स्टेजेस, तो अगर आप अर्थ क्रस्ट के इवोल्यूशन के बारे में बात करोगे, तो अर्थ क्रस्ट जो है वो चार स्टेजेस में इवोल्यूशन हुआ उसका। जो फोर्थ स्टेज है ना, फोर्थ स्टेज को क्वाटर्नरी कहा गया। ये जो क्वाटर्नरी है, ठीक है, ये दो इपोक्स में बटा हुआ था, हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट इपोक्स जो था वो आइस एज को बता रहा है, फिर जो दूसरा इपोक था वो पोस्ट आइस एज को बता रहा है, दैट इज प्लेस्टोसीन और होलोसीन। क्वार्टनरी, दैट इज जो फोर्थ स्टेज था, वो दो पार्ट्स में बटा, प्लेस्टोसीन दैट इज आइस एज, होलोसीन दैट इज पोस्ट आइस एज। उसके बाद आज की क्लास में हमने इवोल्यूशन में बात किया ऑस्ट्रोलोपैथिकस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप बताओ मेरे को? यस, टेल मी व्हाई ऑस्ट्रोलोपैथिकस वाज इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये ऑस्ट्रोलोपैथिकस में हमें दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला था। ह्यूमन इवोल्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो दो कैरेक्टरिस्टिक मिले थे, उसमें एप का भी कैरेक्टरिस्टिक था और ह्यूमन का भी कैरेक्टरिस्टिक था, तो दैट इज व्हाई दैट इज वेरी मोमेंटस। फिर हमने होमो हबिलिस का बारे में बात किया, स्किलफुल मैन, इसको क्या कहा गया था, हैंडी या फिर स्किलफुल मैन भी कहा गया था, याद है। उसके बाद होमो इरेक्टस का बात किया, अपराइट मैन कहा गया इसको। उसके बाद होमो सेपियंस, वाइज मैन कहा गया है इसको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस मतलब फाइनल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो सबसे ज्यादा आज के भी है, दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस आया। उसके बाद स्टोन एज को पैलेलोथिक मिसोलिथिक आज हमने डिस्कस किया है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्योलिथिक पीरियड के बारे में। पैलेलोथिक पीरियड फर्दर क्या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। बात करो तो लोअर, अपर और मिडिल, है ना, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। और मिसोलिथिक पीरियड का बात करो, तो मिसोलिथिक पीरियड क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बीचों बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, वो मिसोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। जहां पे हमने देखा कि जो मिसोलिथिक पीरियड था, इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक था, पैलेलोथिक का भी कैरेक्टरिस्टिक था और नियोलिथिक का भी कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखने को मिला। जहां पे हमने देखा कि एक जो था वो पूरा का पूरा फूड गैदरर था पैलेलोथिक के टाइम पीरियड में, तो मिसोलिथिक में चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? हंटिंग आया, हंटिंग के साथ फिशिंग हुआ। फिशिंग के बाद हमने लेटर फेज में देखा डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल का। तो ये चीजें जरूरी है कि मिसोलिथिक पैलेलोथिक से आगे जाएंगे, चेंज हुआ, फूड गैदरर से लोग आए, ठीक है,
कहाँ पे हंटिंग गैदरिंग में आए, और उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, उसके बाद हमने क्या क्या देखा आर्ट्स के बारे में आज के क्लास में, देखा कि वो लोग बहुत सारा आर्ट पेंटिंग्स करते थे। आर्ट और पेंटिंग्स क्यों करते थे? यस प्रिंस, मैम लाइक सील्स ऑफ The seals of Pashupati Nath found in Harappa depicted many animals. Yes, correct. Correct. तो यहाँ पे बात है कि ये लोग, मेरा क्वेश्चन है ये आज के लिए आप सब के लिए कि ये जो हरप्पा के टाइम पीरियड में जितना भी एनिमल्स का सील्स हमको मिला, ठीक है, वो कन्वेंशनल है, और मिसोलिथिक टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स मिले हैं वो कन्वेंशनल नहीं है। उसके पीछे का रीजन एक प्रिंस ने बताया, दैट इज करेक्ट। और भी बहुत कुछ है, जब अब हम हरप्पन कल्चर शुरू करेंगे तो हम उसको डिटेल्ड हरप्पन सील्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अब आ जाओ स्टोन एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक मिसोलिथिक का आज बात किया। पैलियोलिथिक में लोग बेसिकली फूड गैदरर थे, मिसोलिथिक का हमने बात किया। तो मिसोलिथिक में फूड गैदरर के अलावा हंटिंग आ गया था, फिशिंग आ गया था, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी आया था। अब डिफरेंसेस क्या है? तो पैलियोलिथिक वाज एन एज दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। अब यहाँ पे आ जाओ मिसोलिथिक में तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी आ गया था और परमानेंट सेटलमेंट होने लगा था, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एन ओल्ड स्टोन एज। मिसोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन लाइक मिडिल स्टोन एज है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप एकदम इसको दिमाग में बैठा लो कि पैलियोलिथिक साइट्स क्या क्या है। कुछ पैलियोलिथिक साइट्स मैंने इंडिकेट किया है यहाँ पे, और भी कुछ पैलियोलिथिक साइट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक बार चैप्टर फिनिश होगा, तो थ्रू आउट मैप्स के थ्रू बताया जाएगा पैलियोलिथिक मिसोलिथिक नियोलिथिक क्या क्या साइट्स है। अब आप मिसोलिथिक साइट्स क्या क्या है आप बताओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। या तो आप कमेंट करके आज बताओ कि मिसोलिथिक साइट्स, पैलियोलिथिक साइट्स तो हमने देखा आज की ही क्लास में, भीम केटा है कर्नूल क्ले केव से और बहुत सारे हैं, तो वैसे आप बताओगे मिसोलिथिक साइट्स क्या क्या है। और वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बींग हियर वॉच दिस वीडियो। एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू to like, share and subscribe our YouTube channel, and also again I would like to draw your attention towards the subscription code, that is PSYT, yani ki agar aapko kisi bhi course mein enroll karana hai Unacademy ke, to agar aap mera PSYT referral code use karte ho to iska aapko benefit milega 10% discount, okay? मेरे रेफरल कोर्स से आपको किसी भी कोर्स में, जेपीएससी नहीं, किसी भी कोर्स में आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू प्रिंस।